कैंपस में ये जो प्रोटेस्ट हमने रखा है, बुनियादी तौर पर इंद्रीश कुमार जो इन्वाइट किया गया है यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर, असल में अगर हम देखें तो वो पहले से ही एक्टिविटीज हैं, बहुत से क्रिमिनल केसेज हैं और एड के बारे में और सारे उनके इस तरह से हैगर्ड दुनिया मतलब मुल्क के अंदर कंट्री के अंदर जो उन्होंने फैलाने का काम किया है वो हमारे सबके सामने है। वो लॉ के अंदर भी ऑलरेडी उनके केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे शख्स को यहाँ कैंपस के अंदर इन्वाइट करना और उनको ऐसे प्रोग्राम के लिए यहाँ पे उस हेट को जो कंट्री के अंदर पूरी फैल रही है, नफरत फैल रही है, उस नफरत को यहाँ पे कैंपस के अंदर भी बढ़ावा देना और फरोग देना ये हमारे डीसी साहिबा कर रही है, जिसके खिलाफ हम यहाँ पे जमा हुए हैं और डिमांड करते हैं कि कैंपस के अंदर लॉकडाउन के बाद फिर से दोबारा से ये पढ़ाई का थोड़ा सा माहौल शुरू होने वाला है और हो रहा है धीरे धीरे। आप ऐसे स्पीकर्स को बुलाकर फिर से वही माहौल, नफरत वाला माहौल कैंपस के अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसा हम स्टूडेंट यहाँ पे अपनी आवाज उठाते हैं, उनसे ये डिमांड करें और हम सब मिलकर ये आवाज करें कि कैंपस के अंदर नफरत को नफरत की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैंपस के अंदर पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए और कैंपस का जो डेमोक्रेटिक माहौल होता है उसको परवान चढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसी के लिए है। तो ये इस तरीके के स्पीकर जो है हेड फैलाने वाले हैं और जिन्होंने पहले ही जिनके पास जिनके ऊपर इस तरह के केसेस हैं, जो नफरत समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में फैलाकर खुद को, मुल्क को और कंट्री को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे इजाजत नहीं मिलना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस शुरू हुआ है इस तरह के स्पीकर्स को बुलाकर, इस तरह के लोगों को बुलाकर, वो असल में जामिया को उस रंग में रंगना है जो पूरे मुल्क को जिस रंग में रंगा जा चुका है। तो उस रंग में रंगने से हमें इस कैंपस को रोकना है और हम सबको इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी है, फासिस्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठानी है जो मुल्क के अंदर तमाम आवाजों को, मुखालिफ आवाजों को, जो जमहूरियत की बुनियाद है, जमहूरियत डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, सिर्फ पॉलिटिकल वोट काउंटिंग से डेमोक्रेसी नहीं बनती है बल्कि उसके अंदर सोशल जस्टिस होना चाहिए और भी जो हमारे के अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीटर्निटी, ये सारे जो उसूल हमारे प्रियम्बल के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सारी चीजें होना चाहिए तब डेमोक्रेसी का कैंपस के अंदर माहौल बनता है। लेकिन यहाँ पर वही नफरत वाली चीजें जो पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क को सिर्फ एक रंग में रंगने की जो कोशिश हो रही है वही यहाँ पे कैंपस के अंदर भी शुरू हो गई है और मैडम बीसी भी वही करना चाह रही है। तो हमारी डिमांड है कि इस तरह के स्पीकर्स को बिल्कुल भी ना बुलाया जाए और यहाँ पे जो पढ़ाई का और एजुकेशन का माहौल है उसको बने रहने दिया जाए। धन्यवाद।